नमस्कार, जिल न्यूज में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौर में लौटेगा 90s का जमाना, टीवी पर होगी रामायण और महाभारत की वापसी। एक जमाना था जब रामानंद सागर का सीरियल रामायण टीवी पर आता था, तब सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था क्योंकि उस वक्त सभी लोग रामायण देख रहे होते थे। उस दौर में इन धारावाहिकों का क्रेज इतना था कि सीरियल में राम सीता का किरदार निभा रहे एक्टर्स को ही लोग भगवान समझ लेते थे। उन्हें देखकर हाथ जोड़ते थे, उनके पांव छूते थे और टीवी के आगे लोग अगरबत्तियां भी जलाने लगते थे। रामायण का जब प्रसारण होता था तो लोग सारे कामकाज छोड़कर टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे। इसलिए 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान 90 के दशक के इन दो बड़े शोज रामायण और महाभारत को फिर से रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन में लोगों को सुरक्षा के लिए घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं क्वारंटाइन के इन दिनों में लोगों के पास अब सिर्फ टीवी और इंटरनेट का ही सहारा है। ऐसे में बीते काफी दिनों से सोशल मीडिया पर लोग रामानंद सागर द्वारा बनाई गई सीरीज रामायण और बीआर चोपड़ा की महाभारत को दोबारा टीवी पर प्रसारित करने की मांग कर रहे थे। इसलिए पब्लिक की भारी डिमांड पर अब रामायण और महाभारत को फिर से टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर ने हाल ही में एक ट्वीट के जरिए कहा कि लोगों की भारी मांग को देखते हुए DD नेशनल पर इन धारावाहिकों के प्रसारण के लिए इनके राइट्स होल्डरों से बात की जा रही है। जल्द ही टीवी के इन दोनों बड़े शोज को फिर से रिलीज किया जाएगा, इस बात की पुष्टि भी हो गई है। ये खबर 90s के किड्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वहीं कुछ लोग विक्रम बेताल और शक्तिमान जैसे शोज को भी दोबारा टेलीकास्ट करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर इन शोज का दोबारा टेलीकास्ट होता है तो 90 का दशक फिर से जीवंत हो जाएगा। देश दुनिया से जुड़ी और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जेड न्यूज़।